हर हर महादेव मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को। तो आज हम सबका फेवरेट स्वीट यानी कि मालपुआ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी का नाप लिया है। अब उसी कटोरी के अनुसार हम यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा, यानी कि नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घर में वही वाला गेहूं का आटा लेना है। और फिर दूसरा हम सेम कटोरी के नाप से ऐड करेंगे मैदा, और ये दोनों एक माप के अनुसार ही लेना है, तभी हमारे मालपुए अच्छे बनेंगे। और 2 चम्मच इतना हमने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, और इन सबको अच्छे से छान के ऐड करिएगा जिससे कि इसके अंदर गुठलियाँ ना आ जाए, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा बोल जितना चीनी, और सेम आधा बोल जितना हम ऐड करने हैं गुड़ यहाँ पे। तो गुड़ और चीनी दोनों की मिठास इसके अंदर अच्छी रहेगी, और दोनों से मिठास भी बिल्कुल बढ़िया सी आएगी, दोनों ही ऐड कर दीजिएगा। और 2 चम्मच जितना ऐड करेंगे इसके अंदर दही, और फिर ऐड करना है दूध। तो दूध को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, हमारी उंगली सह सके उतना गर्म करना है, और 250 ml जितना हमने यहाँ पे दूध लिया है। और अगर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए डाल सकते हैं। अब ये सारा मिक्सचर अच्छे से हमें मिला लेना है, और अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, आपके अनुसार आप कुछ भी ऐड कर दीजिए। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, हम ना ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, इस तरह से रखेंगे कि हमारे मालपुए जो है मोटे ज़्यादा ना रहे और ना ही ज़्यादा पतले रहे। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसे हमें 4 घंटे के लिए फर्मेंट होने देना है, उसके बाद हम 4 घंटे के बाद इसके अंदर ऐड करने हैं 3 बड़े चम्मच इतनी मलाई ऐड कर दीजिएगा। और मलाई कौन सी ऐड कीजिएगा, जो अभी आपके पास दूध हो और उसके अंदर से फ्रेश मलाई निकली हो ना, वही मलाई ऐड कीजिएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा आएगा। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच इतना घी ऐड करना है, और इसे अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने से क्या होगा, इसके अंदर ना एक बढ़िया सा फ्लफीनेस आ जाएगा, और जो फूला फूला होता है ना इसका आटा, तो इसके मालपुए बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको फूले फूले से मालपुए बनाने हैं तो ब्लेंड ज़रूर कर लीजिएगा। और अब एक पैन रखेंगे, उसके अंदर घी गरम करने के लिए डाल देंगे, और जो घी है वो भी अगर आप एकदम प्योर देसी घर का बनाया हुआ घी यूज़ करेंगे ना, तो मालपुआ का स्वाद और ज़्यादा बढ़िया आएगा। और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से हम मालपुए बनाने वाले हैं, तो इतना इतना बैटर डालते जाएंगे, और फिर इसे थोड़ा सा पक जाए ना तब इसे हमें पलटना है। तो आपके पास चिमटा हो तो उससे अच्छे से पलट दीजिएगा, और पलट के ना इसे साइड पे कर दीजिएगा, और आप दूसरी बैच इसके साथ ही ऐड कर दीजिएगा मालपुए की। तो आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उतनी आसानी से एक ही साथ में बना सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे जो मालपुए हैं वो एकदम ही जालीदार और फूले फूले से बने हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारे जो मालपुए हैं वो कितने फूले फूले से पूरी जैसे बने हैं, है ना। ये देखिए कितने पूरी जैसे फूल गए हैं। तो ये जो मालपुआ होते हैं ना, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और हम इसके ऊपर से चाशनी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर शक्कर और गुड़ डाल दिया है, तो ये मीठे वाले ही मालपुए ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप चाहे तो शक्कर वाले भी बना सकते हैं, पर ये वाले बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसको हमने जो भी एक्स्ट्रा घी था वो हमने दबाकर इसका निकाल लिया है, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले माता रानी के लिए सर्व करेंगे, उनके लिए भोग तैयार किया है, तो ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है, और अब माता रानी को सबसे पहले भोग लगा देंगे क्योंकि उनके नवरात्र चल रहे थे, स्पेशली उनके लिए बना है। और अब हम हमारे लिए सर्व कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे उसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट से सर्व किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर केसर डाल सकते हैं, या फिर चांदी का वरक भी लगा सकते हैं। और ये हमारे मालपुए जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो ये वाला ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी जो आउटर रिम होती है वो एकदम ही क्रिस्पी होती है, और अंदर से बिल्कुल नरम नरम होते हैं। ट्राई करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मालपुआ की रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए।